तेलंगाना के माइनॉरिटी अकामती स्कूल हैदराबाद में दाखिलों का आगाज। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल अपल गर्ल्स वन हैदराबाद में दाखिलों का आगाज किया गया है। गरीब व नादार अखलेती बच्चों के लिए तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल अपल गर्ल्स वन अपना मुस्तकबिल बनाने का मौका दे रहा है। तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल अपल गर्ल्स वन ट्रैम्प्रीज के इश्तराक से वालिदैन को अपने ख्वाब अपने बच्चों के जरिए पूरा करने का सुनहरा मौका फराहम कर रहा है। दाखिलों के मुतालिक से रेशमा सुल्ताना प्रिंसिपल तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल अपल गर्ल्स वन ने एटीवी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि माय सेल्फ रेशमा सुल्ताना प्रिंसिपल ऑफ तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल अपल गर्ल्स वन नाचारम। टेम्ब्रीज एक ऐसा सोसाइटी है जो गरीब से गरीब माँ बाप आपके उनके ख्वाब को पूरे नहीं किए हैं उन्होंने उनके बच्चों के रूप में पूरे करने के लिए एक ऐसा मौका मिला है कि उनके बच्चों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए टेम्ब्रीज 2016 में श्री केसीआर सार ने एस्टेब्लिश किए हैं। इनके इन्वाइटर्स टेम्ब्रीज के इन्वाइटर्स जनाब शफीउल्ला सर आईएफएस और एके खान सर है। टेम्ब्रीज का मेन एम है कि टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी एंड फ्री एथिकल वैल्यू एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन द तेलंगाना स्टेट टू एनेबल देम टू अवेल प्रोफेशनल एजुकेशनल कोर्सेज एंड जॉब्स इन वेरियस सेक्टर्स लाइक पब्लिक प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स। ये टेम्ब्रीज एक ऐसा है कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा है, फुल्ली सिक्योर्ड हेल्थ हाइजीनिक और बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड कर रहा है। यह और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सेक्रेटरी सर ने बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट और रोबोटिक्स लैब्स इतने फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो कॉर्पोरेटेड स्कूल्स में भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और हमारे स्कूल में 5 टाइम की नमाज और दीनियात क्लासेस अरबी क्लासेस भी ले रहे हैं। हम ये साल में 70 बच्चों की हदिया पूरी की है हमारे टेम्ब्रीज नाचारम स्कूल में। मैं इस हर एक माँ बाप को गुजारिश कर रही हूँ कि अपने बच्चों को हमारे टेम्ब्रीज स्कूल में ज्वाइन कीजिए, एडमिशन लीजिए। मार्च 20 तारीख तक लास्ट डेट है और आपके ख्वाब को पूरा कीजिए। जी, मैं यहाँ पर उपल गर्ल्स टेम्ब्रीज रेजिडेंशियल स्कूल माइनॉरिटी में 4 साल से बच्चों को अरबी तालीम दे रही हूँ और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अपने मुसलमान बच्चियाँ हैं और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बच्चों को तालीम से आरास्ता किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 70 बच्चियों की खराशी मुकम्मल हुई है माँ तजवीद के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब जब तर्जमे के साथ भी कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं जमात के बच्चियों को 5 पारे तक यहाँ पर तफसीर के साथ मैं पढ़ाई हूँ और आप और बच्चियों को इज्तिमाई तालीम भी दी जाती है और तकारीर भी पढ़ा किया जाता है और हमद और नात भी सिखाई जाती है और इस्लाम के बारे में जितना हो सके बच्चों को आरास्ता कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बच्चियाँ सलात व सौम के पाबंद हैं और जो भी जैसा भी अपने मुहर्रम शाबान रमज़ान जो भी फ़ज़ाइल होते हैं जो भी ईदें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके बारे में पूरी तफसीर बयान करती हूँ और उसके ख़सस व नबीन उन लोगों के सामने सुनाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बच्चियों को मालूम है कि मुसलमान क्या है, इस्लाम क्या है और इससे मैं उन लोगों को आरास्ता कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बच्चियाँ मुझे बहुत खुशी है कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पर चुना है तालीम के लिए। बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला इतने बच्चियों को मुझे पढ़ाने के लिए यहाँ चुना है। मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ और टेम्ब्रीज के और हमारी हुकूमत की और तमाम जो जितने भी यहाँ मेहनत कर रहे हैं और हर एक स्कूल में इसी तरह से चला कर रहे हैं। पूरे बॉयज़ के स्कूल में भी अरबी तालीम दी जा रही है, गर्ल्स के स्कूल में भी। और आपने सोचा है यतीम जितने भी यहाँ पे यतीम हैं जिनके जो गरीब है अगर हम चाहते अगर यतीम को अगर हम देखना चाहते तो हम एक बच्चे को भी सही तरीके से नहीं देख सकते। ये लोग हज़ारों बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह परवरिश पा रहे हैं यहाँ पर बस पुरसकून के साथ। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारे बच्चों को कामयाबी अता फरमाए।
हैदराबाद से एटीवी न्यूज़ गुलबर्गा के लिए मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट।